आईएसआईएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुकात के मामले में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम यादगी डिस्ट्रिक्ट शाहपुर के रहने वाले खालिद अहमद से पूछताछ के लिए आई थी। आज से दो महीने पहले जुलाई 2023 को झारखंड से फैजान अंसारी नामी एक नौजवान को एनआईए टीम ने गिरफ्तार किया था। फैजान अंसारी नामी इस नौजवान पर आईएसआईएस के साथ ताल्लुकात का आरोप है। फैजान अंसारी की गिरफ्तारी के बाद एनआईए उन सब लोगों से पूछताछ कर रही है जो फैजान अंसारी के साथ किसी भी तरह से ताल्लुकात में थे। कर्नाटका के यादगी डिस्ट्रिक्ट शाहपुर के रहने वाले खालिद अहमद से भी एनआईए टीम ने पूछताछ शुरू की है। 14 सितंबर को शाहपुर के खालिद अहमद से एनआईए टीम पूछताछ के लिए आई थी। खालिद अहमद ने कहा यह दूसरी मर्तबा है जो एनआईए इस तरह पूछताछ कर रही है। एनआईए टीम के जाने के बाद मीडिया से बात कर खालिद अहमद ने कहा एनआईए टीम खालिद अहमद से फैजान अंसारी के बारे में पूछताछ कर रही थी। एनआईए टीम ने लगातार 3 घंटों से ज़्यादा खालिद अहमद से पूछताछ की है। एनआईए टीम की पूछताछ में खालिद अहमद ने बताया कभी कभार इंस्टाग्राम पर दूसरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स की तरह फैजान अंसारी से बातचीत हुआ करती थी। खालिद अहमद ने कहा यह नहीं जानता था कि फैजान अंसारी क्या काम करता है। अगर आईएसआईएस के साथ ताल्लुकात का कुछ भी पता होता तो खालिद अहमद फैजान अंसारी से कभी बात नहीं करता। एनआईए ने पूछताछ कर खालिद अहमद के घर से 2 मोबाइल फ़ोन सीज किए हैं। तमाम पूछताछ के बाद एनआईए ने खालिद अहमद को सम्मन इशू कर 20 सितंबर को झारखंड के रांची में इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने हाजिर होने का आदेश दिया है। खालिद अहमद ने एनआईए टीम की पूछताछ पर मजीद क्या कहा जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute. सुबह 4 बजे थे। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक पूछताछ करे, बायोडाटा वगैरह सब लिए, मेरा 2 फ़ोन सीज भी कर लिया लगा। दो फ़ोन सीज भी कर लिया, चाहे तो उन लोगों का फ़ोन भी देख सकते, दोनों फ़ोन में है सब डेटा वगैरह निकाल कर। कुछ कराया भी नहीं, बस दोस्त इंस्टाग्राम पे बात होती थी, उस दूसरा कुछ भी नहीं था उससे, नॉर्मली बात होती उससे। वो उसका पता नहीं किससे बात करता था, उन क्या करता था, कुछ भी। मेरा मोबाइल में सब डेटा वगैरह है फ़ोन में, उन्हें देख सकते, उन लोगों देखना रहा तो भी। फिर क्या पूछा घर में अम्मी अब्बा? अम्मी अब्बा सबसे सब लोगों का बायोडाटा लिए, बायोडाटा वगैरह पूछे, सब जना का एज कितनी है, सब मेरा सब आधार कार्ड राशन कार्ड सब जेरोक्स लिख गया, पासवर्ड वगैरह का भी और टेंथ का भी लिख गया 20 तारीख को और रांची झारखंड पॉपुलेशन लगा। फॉर्म वगैरह देकर गए, क्या क्या हुआ था सब घर में, थोड़ा टाइम आता उसके बाद बात बंद हो गई थी। इसी में साल हुआ था, बस साल मतलब ऐसी दोस्तानी में साल, उसका पता नहीं उन क्या काम क्या क्या करता था, उसके नहीं पता, पढ़ी वगैरह पता था, दूसरा उसका साइड नहीं पता था उनके क्या क्या काम करता था। रांची वगैरह नहीं गया कभी, उससे कभी मिला भी नहीं, मैं नहीं मिला उससे, मिला नहीं कभी, एक बार भी नहीं मिला उससे कभी।